हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड दिस वीडियो ऑफ माइन इज़ स्पेशली फॉर ऑल दोज जिसके किन्हीं भी कारणवश कंसेप्शन जो है वो नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गो फॉर एन IVF। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि किन कारणों में आपको सोचना है IVF के बारे में और कौन से एज ग्रुप में आपको IVF के बारे में सोचना है। उसके पहले आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ट्राई करनी हैं। एक्चुअली हमें प्रेगनेंसी के लिए क्या सब चीज़ें चाहिए? एक अच्छा फॉलिकल, दैट इज़ ओवेरियन फॉलिकल, जो कि ना सिर्फ 18-20 mm साइज़ का हो, साथ के साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो। क्वालिटी अच्छी से मतलब है वो एक हेल्दी प्रोजनी या हेल्दी एम्ब्रियो को क्रिएट कर पाए। सेकेंडली एक हेल्दी स्पर्म चाहिए एंड देन एक हेल्दी यूट्रस चाहिए। यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो 8-10 mm के बीच में जाती हो एंड उसमें कैपेसिटी हो टू होल्ड द एम्ब्रियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। 9 months के लिए आपका यूट्रस जो है वो आपका इट्स एन इलास्टिक ऑर्गन, जैसे एक बैलून होता है उसको आप फुला देते तो वो फूलता है, तो उसके मसल्स में वो इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्ले करते हैं, ना केवल फीमेल के, अलॉन्ग विद दैट मेल के भी। आजकल की डेट में मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज रिसेंटली मैंने ये सोचा था ये वीडियो मैं तभी बनाऊँगी जब मैं उन पेशेंट जब प्रेगनेंसी हो जाती है। देयर वॉज अ पेशेंट हु केम टू मी ऑलमोस्ट 7-8 months बैक। जी हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा है, 8 months बहुत बड़ा टाइम होता है। बट बोथ ऑफ देम वर वेरी डिप्रेस्ड एंड दे केम विद दिस मच बिग फाइल। कितने तरह के उनको टेस्ट उन्होंने करवा चुके थे, ओवुलेशन स्टडीज़ बहुत सारी, देन HSG कितनी बार, एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट एंड बहुत सारे टेस्ट जो थी, इतनी बड़ी उनकी रिपोर्ट्स थी। अलॉन्ग विद दैट जो चीज़ नहीं ठीक थी वो ये थी कि उनके 3 failed IVFs थे एंड दे वर द एज ऑफ द कपल वॉज जस्ट 37 एज, फीमेल 37 एंड मेल जो थे वो 38, जस्ट 1 year का गैप था दोनों में। एंड 3 failed IVF की रिपोर्ट्स है वो मेरे पास इसलिए आए थे कि मैम हमने मैक्सिमम जो भी था हमने ट्राई कर लिया है एंड अब जो है वो कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है। वी आर थिंकिंग ऑफ इधर अडॉप्शन, या आपके पास कुछ ऐसा है जिसके कारण प्रेगनेंसी हो सकती है बट हमें नहीं लगता, दे वर नॉट एट ऑल होपफुल ऑल्सो कि हमें नहीं लगता कि अब प्रेगनेंसी हो सकती, क्योंकि हमने वो मैक्सिमम ट्राई कर लिया। आप सबके माइंड में ये रहता है कि IVF तो मैक्सिमम है। मेरा ये वीडियो सबके लिए इसीलिए है, एक तो आपको समझना होगा कि IVF जो है, आप लोग समझते हैं IVF के लिए आप 1-1.5 lakh, एक IVF के लिए यू आर गोइंग टू स्पेंड। एंड मोर ओवर आपको ये नहीं बताया जाता है कि आफ्टर IVF ऑल्सो द चांसेज आर 15-20%, द सक्सेस रेट ऑफ IVF इज ऑल्सो 15-20%। जब भी आप ऐसे कभी भी किसी चीज़ में जाते हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आप उसके बारे में अच्छे से इंक्वायर करो कि क्या इसका रेट है 15-20%। मतलब अगर हम लोग 100 के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसमें से जस्ट 15% एट द मैक्स 20% आर द पॉजिटिव केसेस एंड दैट टू एक स्ट्रिप टेस्ट जो HCG का है वो तो पॉजिटिव आ जाता है डबल लाइन वाला, बट आफ्टर दैट 9 months तक उसको कौन कंसीव करके रख पाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो 2nd-3rd month में नहीं रहते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस उसमें पॉजिटिव में से भी ऐसे होते हैं जो प्री मेच्योर बेबीज हो जाते हैं जिनका लंग डेवलपमेंट नहीं हुआ होता एंड बहुत सारे और इशूज़ भी होते हैं। तो IVFs को लेके आपको पहले प्रॉपर एक बार इन्फॉर्मेशन लीजिए, देन ओनली यू ट्राई इट फॉर दैट। अब उन पेशेंट्स का जिनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, व्हेन 7 months बैक दे केम, उनकी रिपोर्ट्स में मुझे क्या नज़र आता है कि फॉलिकल है, यूट्रस है, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग अच्छी नहीं है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स एक है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, एक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हम करवाते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा कि एग तो आपका ही होगा, क्वालिटी ऑफ एग जो है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। एग आपका है, स्पर्म आपका है, यूट्रस जहाँ पर वो फर्टिलाइज करके उसका छोटा सा एम्ब्रियो बना के अंदर डाल रहे हैं, यूट्रस भी आपका है। तो इन केस आपका क्वालिटी फॉलिकल नहीं है, स्टिल द चांसेस नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा जिसके कारण आप और डिप्रेसिव हो जाओगे। इन केस स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं, देन ऑल्सो इन केस आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो है वो 8-10 mm नहीं बन रही है या उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, योर यूट्रस इज़ नॉट सो स्ट्रांग कि उसको होल्ड करके पाएगा, तो योर IVF रिजल्ट्स आर नेचुरली गोइंग टू डिमिनिश और वो नेगेटिव ही आएंगे। इन दैट केस ऑल्सो एंड मोर ओवर
बहुत सारे ऐसे केसेस में इन IVF में आपको क्या करते हैं, बहुत सारे इंजेक्टेबल्स देते हैं जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स के, जिससे फॉलिकल्स यानी कि एग्स स्टिमुलेट हुए और बहुत सारे फॉलिकल्स एक ही मंथ में हमारे बन जाएं। नॉर्मली क्या होता है, एक फॉलिकल एक मंथ में होता है, तो जब बहुत सारे फॉलिकल्स एक ही मंथ में बन जाते हैं एंड मोर ओवर अगर एज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो फॉलिकल्स की क्वांटिटी तो लिमिटेड होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक ही मंथ में यूज़ हो जाते हैं एंड कई बार अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो वो उतना आपका जो सोर्स था जो आपके पास गिन के भगवान ने दिए थे वो आप एक ही मंथ में यूज़ कर रहे हैं। समटाइम्स एक OHSS, यू शुड स्टडी अबाउट इट। OHSS को आप ढूंढिए, गूगल में सर्च कीजिए, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, एंड वेरी रेयरली होता है लेकिन अगर बहुत सारे ओवरी में फॉलिकल जो स्टिमुलेट हो जाते हैं इट कैन इवन लीड टू बहुत लंग्स पे इफेक्ट आ जाएगा या किडनीज पे इफेक्ट आ जाएगा, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द लेडी इट्सेल्फ। ये कुछ केसेस में होता है। सम केसेस में बर्थ डिफेक्ट्स देखे गए हैं इन चिल्ड्रन एंड इन सम केसेस ऑल्सो प्री मेच्योर डिलीवरीज देखी गई हैं, उस केस में भी बेबी कई बार सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसके बहुत सारे अपने ही होते हैं क्योंकि उसके बाद हम प्रोजेस्ट्रॉन्स देते हैं पेशेंट को, IVF के पेशेंट को प्रोजेस्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा देते हैं। तो एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अगेंस्ट नेचर जाके हम बहुत सारे फॉलिकल्स बना रहे हैं, हम हॉर्मोन्स के साथ उसके एंडोमेट्रियम बना रहे हैं, तो देर आर सो मैनी इशूज़। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, पहले यू हैव टू सेल्फ एनालाइज कि मेरे प्रॉब्लम कहाँ पर है। इन केस मेरा फॉलिकल अच्छा नहीं है तो IVF के बाद भी फिर इशूज़ तो वही रहेंगे। इन केस मेरा यूट्रस का एंडोमेट्रियम ही अच्छा नहीं है, एंडोमेट्रियम का साइज, ओवुलेशन स्टडी इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करनी है। ओवुलेशन स्टडी आप करवाइए जिसमें आप देखिए कि फॉलिकल का साइज़ जो है वो 18 to 20 mm पहुँच रहा है एंड 12th डे पे पहुँच रहा है, तो दैट इज़ द बेस्ट फॉलिकल। अगर वो 22 mm 24 mm पहुँच गया तो उसी टाइम रियलाइज़ कर लीजिए कि इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ऑल दो बहुत सारा अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो डायग्नोज नहीं कर पाएगा, इट इज़ अ स्टार्टिंग स्टेज, बट इसके कारण आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो 20 mm साइज़ तक फॉलिकल पहुँचना चाहिए, मैक्स 21 mm तक, और उसको 12th या मैक्सिमम 13th डे पे उसको फट जाना चाहिए, रप्चर कर जाना चाहिए। उसके साथ साथ उस डे पे आपकी एंडोमेट्रियम जो है, जब आप ओवुलेशन स्टडी करवाएंगे तो आप पूछ सकते हैं कि मेरी एंडोमेट्रियल डॉक्टर इज़ इट ट्रिपल लाइन, ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम इज़ द बेस्ट एंडोमेट्रियम एंड इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 8 to 10 mm। तो जब आप इतना कुछ पूछते हैं और ध्यान रखते हैं एंड देन आप सेल्फ एनालाइज कीजिए। सीमन एनालिसिस बहुत बार ऐसे होता है, वाइफ्स अपना ट्रीटमेंट लेती रहती हैं फॉर इनफर्टिलिटी एंड एट लास्ट हम लोग क्या देखते हैं कि हस्बैंड का स्पर्म काउंट इज़ नॉट गुड या स्पर्म जो है वो एबनॉर्मल हैं, 50-60% ऑफ स्पर्म्स आर एबनॉर्मल। अगर हस्बैंड का काउंट 40 million तक भी है देन ऑल्सो नेचुरली यू कैन कंसीव। बहुत बार कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, हॉर्मोनल इम्बैलेंसेज हो जाते हैं जो कि हम नेचुरल डाइट से, बहुत से ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं जिससे हम पीरियड्स को ठीक कर पाते हैं, जो हॉर्मोन्स हैं वो सेल्फ रिप्लेनिश करते हैं। हॉर्मोन्स अपने आप ही बॉडी के अकॉर्डिंगली बनने चाहिए, जब ईस्ट्रोजन चाहिए बॉडी खुद से अपना बनाए, जब प्रोजेस्टेरोन चाहिए बॉडी खुद से अपना बनाए। कई बार ऐसा होता है कि हमें साथ में सस्टेन के कैप्सूल्स दैट आर नेचुरल प्रोजेस्टेरोन्स कई बार देने पड़ते हैं, दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन इन केस आप आयुर्वेदिक फाइटो हॉर्मोन्स ले रहे हैं दैट आर प्लांट बेस्ड, जो आपकी बॉडी को एक अशोका ऋषि नाम का सिरप आता है। इन केस आपकी प्रेगनेंसी को जस्ट 1 or 2 years हुए हैं एंड आपको लग रहा है कंसेप्शन नहीं हो रही है, देन यू कैन स्टार्ट अप विद अशोका ऋषि। दे आर सच क्लासिकल हर्बल फॉर्मुलेशंस जो हर एक इंसान ले सकता है, वो खुद से देखेगा कि किस तरीके से कौन सी चीज़ डिप्लीट हो रही है और उसको वो पूरा कर देगा। इस तरीके से आपको बहुत ही विजिलेंट होकर, मैं आपका जो वीडियो बना रही थी वो इसलिए था कि दैट पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट नाउ, 3 IVFs की मैं उनकी ऐसी रिपोर्ट्स हैं IVF फेलियर के बाद एंड आफ्टर दैट जो है उनको जस्ट हर्बल फॉर्मुलेशन से बोथ ऑफ देम हैव कंसीव्ड येस्टरडे ओनली, दैट रिजल्ट केम आउट टू बी पॉजिटिव बट दे डोंट वांटेड टू शेयर इट राइट नाउ। आफ्टर 9 months जब उनका बेबी उनके हाथ में होगा देन दे वॉन्ट टू शेयर इट एंड उनकी मैरिज को ऑलमोस्ट 10-11 years जो है वो हो चुके हैं एंड द एज इज 37 एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर देम।
कि कंसेप्शन हुई है एंड आफ्टर 9 मंथ्स जब उनका बेबी आ जाएगा मैं यहीं पे इस चैनल पे उनको ज़रूर आपसे मिलवाऊंगी एंड सारा उनका केस रिपोर्ट स्टडी कर रहा हूँ दिखाऊंगी आपको, ताकि ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होके एक्सट्रीम स्टेप जिसमें आप अपना मनी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी रिस्की। कई बार ऐसा मैं देख रही हूँ अपने पेशेंट सर्कल में, जस्ट 25 में हमने एक IVF करवा चुके हैं। क्यों 25 में IVF करवा चुके हो? जस्ट ट्राई, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। अपने फॉलिकल को अच्छा करना है तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, हर्बल ओरिजिन्स हैं जो आपके फॉलिकल को क्वालिटी फॉलिकल बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे जैसे कपी कच्छू है, बहुत से ऐसे हर्ब्स हैं, बट ये देखना पड़ता है कि आपके केस में कौन सा हर्ब इज़ रिक्वायर्ड। हर्ब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक समझ चाहिए कि हमें किस तरह के हर्ब्स जो हैं आपके केस में रिक्वायर्ड हैं। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो कचनार बुबुल है जो सिस्ट को श्रिंक कर देती है, फॉलिकल को अच्छा करती है। इसके साथ और बहुत सारे कॉम्बिनेशन में हर्ब्स जो है वो देने पड़ते हैं, एंड हर्ब्स दे उनका कोई साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई कीजिए, एकदम से IVF पे मत जाइए, क्योंकि उसके बाद जब पेशेंट्स हमारे पास अप्रोच करते हैं तो 25 के बाद अगर आपने करा लिया 26-27 में, देन तो आप ऐसे आते हैं कि अब हम कंसेप्शन हमारा हो ही नहीं सकता, हमने मैक्सिमम ट्राई कर लिया, तो माइंड से ही निकाल दीजिए, दैट इज़ नॉट मैक्सिमम। मैक्सिमम आप अपने माइंड सेट से एक तो सेल्फ एनालाइज कीजिए, मैं हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ऑल्सो, अगर सारा कुछ ठीक है इन दैट केसेस ऑल्सो देर आर सो मेनी गुड हर्बल कॉम्बिनेशंस। बहुत अगर मैं बताऊँगी तो बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये भी बताना पड़ेगा अगर फॉलिकल की लाइनिंग अच्छी नहीं है उसमें कौन सा हर्ब कर रहा है, अगर वो अच्छे से रप्चर नहीं हो रहा उसमें कौन सा हर्ब चाहिए, तो लेट द डॉक्टर डिसाइड इट फॉर यू और गो इन फॉर हर्बल थिंग्स पहले। आफ्टर IVF करवाने के बाद आप नेचुरली कंसीव करें एंड यू हैव लॉस्ट अ ह्यूज सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एंड यू वर इन ह्यूज डिप्रेशन, टाइम जरूर लगा है, 7 मंथ्स लगे हैं, एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड द पेशेंट कि 1 ईयर तक भी लग सकता है एंड 1.5 ईयर्स तक भी लग सकते हैं, एंड हो सकता है कंसेप्शन ना भी हो। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सीधा उसके लिए जाना है जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, एंड चांसेस ऑफ पॉजिटिविटी रेट जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ भी आपके डाउट्स, क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।